गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास आईपी स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 11 में हमने थोड़े से ही टॉपिक्स कवर किए थे, लिटरल्स, और साथ में हमने कवर किया था कमेंट्स का टॉपिक और नल वैल्यूज का टॉपिक। आज हम इसी चैप्टर में एलिमेंट्स, माई सीक्वल के एलिमेंट्स को कंटिन्यू आज फिर से करेंगे। जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स का। देखिए, डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, लाइक न्यूमेरिक डेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम्स में या फिर हम अपने MySQL की बात करें तो टेबल्स में जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो डिफरेंट कॉलम्स की प्रोसेसिंग के लिए हम उसमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा एंट्री के लिए। A values data type associated a fixed set of properties with the value. अब जिस टाइप की हम वैल्यू या हम जिस टाइप का डेटा टाइप लेंगे तो हर टाइप के डेटा की फिर क्या रहती है, कुछ अपनी फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रहती है। नाउ दीज प्रॉपर्टीज कॉज डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेटा टाइप्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से हमारे डेटा टाइप्स के साथ यूज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन एड वैल्यूज ऑफ नंबर डेटा टाइप्स। जो नंबर डेटा टाइप, अगर हम किसी कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे, किसी कॉलम में अगर हम न्यूमेरिक टाइप की डेटा एंट्री करेंगे तो उस न्यूमेरिक डेटा पे हम फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम उस टाइप के डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के कुछ जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं वो न्यूमेरिक डेटा पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बट वी कांट एड वैल्यूज ऑफ कैर एंड वेयर के डेटा टाइप्स। अब आपको पता है कि जो सिंपल आपका आपके कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोई नेम है अरुण, अगर हम अरुण को वरुण के साथ ऐड करेंगे, वरुण नेम के साथ ऐड करेंगे, दोनों नेम्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये क्या ऐड करेगा? हमारे पास MySQL में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है जो कैर और वेयर कैर टाइप की वैल्यूज को ऐड कर सके। कैरेक्टर, कैर मींस कैरेक्टर वैल्यूज और वेयर कैर मींस वेरिएबल कैरेक्टर वैल्यूज। इनको हम बाद में, ये जो कैर और वेयर कैर का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग से आपके पास एक टॉपिक है। आप देखिए यहाँ कैर और वेयर कैर में डिफरेंस आपको गिवन है, इसको अलग से हम देखेंगे। तो आज सिर्फ डेटा टाइप्स को देखते हैं। तो कैरेक्टर वैल्यूज को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर भी अगर हम MySQL में कैरेक्टर वैल्यूज पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन की, तो वहां पे वो कैरेक्टर वैल्यूज को क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा। जैसे कि एक वैल्यू थी अरुण और एक वैल्यू थी शर्मा, दोनों अलग अलग कॉलम्स में है। अगर हम अरुण और शर्मा दोनों को प्लस करेंगे तो ये अरुण शर्मा को मर्ज कर देगा विदाउट एनी स्पेस, तो अरुण शर्मा डिस्प्ले होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कैर और वेयर कैर टाइप की डेटा टाइप से हम डिफरेंट कॉलम्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं। इंटरनल डेटा टाइप्स, इंटरनल डेटा टाइप सपोर्टेड बाय MySQL इंक्लूड द वंस गिवन हियर। अब जो MySQL इंटरनली कुछ डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, देखिए। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूमेरिक टाइप्स एंड सेकेंड इज डेट एंड टाइम, थर्ड इज स्ट्रिंग टाइप। ये थ्री टाइप्स की कैटेगरीज हैं जिनको MySQL जो है यूज करता है इंटरनली, जिनको सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ आप इनको नेम से ही आपको पता चल गया होगा, इनके जो टॉपिक्स, इनके हेडिंग्स हैं, इन्हीं से आपको पता चल गया होगा कि जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं वो ओवरऑल न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। और डेट एंड टाइम टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डेट और टाइम टाइप की वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज होंगे। इसी तरह से अगर स्ट्रिंग टाइप्स की बात करें तो स्ट्रिंग टाइप्स जो है हमारी कैर और वेरकर टाइप की जो वैल्यूज होंगी उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए ये टाइप्स जो है यूज होंगे।
तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. MySQL uses all the standard and CSQL numeric data types. अब देखिए MySQL जो है सभी के सभी numeric types को use करता है. The following list is कौन कौन से types हैं हमारे, देखिए इसमें. अब देखिए यहाँ बहुत सारे data types होते हैं वैसे तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, लेकिन यहाँ आपको क्लियर कहाँ है हमारे सिलेबस में कुछ ही डेटा टाइप्स की ये समझिए कि एक्सप्लेनेशन है या फिर उसका यूज है. तो कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप्स इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं, सारे के सारे कवर नहीं किए हैं. फिर भी इस इन सभी डेटा टाइप्स में से भी हम कुछ ही डेटा टाइप्स हैं जो रूटीन में यूज करते हैं, जैसे कि INT को हम यूज किया करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर हम क्या करते हैं इधर से फ्लोट वैल्यूज के लिए हम समटाइम फ्लोट डेटा टाइप को यूज कर लेते हैं, समटाइम डेसिमल को भी, न्यूमेरिक वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज हैं उनके लिए हम डेसिमल डेटा टाइप्स को भी यूज कर लेते हैं. लेकिन फिर भी हम जो बेसिकली यूज करते हैं ना वो इंटीजर डेटा टाइप INT डेटा टाइप ही ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने MySQL की टेबल्स में कॉलम को टाइप प्रोवाइड करने के लिए. तो INT क्या है, इट इज अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. ये आपका नॉर्मल साइज इंटीजर टाइप है, साइंड वैल्यू भी हो सकती है इसमें, अनसाइंड वैल्यू भी हो सकती है. ये साइंड और अनसाइंड वैल्यूज क्या है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सिंपली देखिए कि ये जो साइंड वैल्यूज जो होती है इनकी रेंज देखिए क्या होती है, जो साइंड वैल्यूज जो होती है इनकी रेंज जो होती है माइनस में आपको ये रेंज दी है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब कि टोटली आप टू ये 21474836437 मतलब इस रेंज, ये जो आपको एग्जैक्ट ये जो रेंज दी है ना ये पॉजिटिव रेंज है और ये नेगेटिव रेंज है. नेगेटिव रेंज आप यहां तक यहां से लेकर के और पॉजिटिव रेंज यहां तक, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जब आप इंटीजर टाइप के थ्रू एंट्री करोगे ना कॉलम में वो वैल्यू इस रेंज को एक्सीड नहीं करनी चाहिए. अगर यहाँ पे 7 है ना तो ये 48 नहीं होना चाहिए. अगर ये रेंज 2 से स्टार्ट हो रही तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये तो रेंज ही चेंज हो जाएगी. तो सिर्फ इस रेंज तक की वैल्यू को हम उस कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हम अनसाइंड की बात करें तो अलाउबल रेंज हमारे पास क्या है, 0 से ये पर्टिकुलर रेंज गिवन है यहाँ तक की ही हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं. अगर कॉमनली बात करें तो हम 11 डिजिट का जो कोई भी नंबर है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो 11 डिजिट तक की हम किसी कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं. और इंटीजर के साथ ही ना देखो ये जो टाइनी आईएनटी दिया है ना और स्मॉल आईएनटी दिया है, बाइट भी होता है वैसे तो, बाइट टाइप भी होती है वैल्यूज की एंट्री के लिए, बट ये इसके साथ ही इन्होंने टॉपिक कवर कर दिया. स्मॉलेस्ट डेटा टाइप जो है टाइनी आईएनटी होता है और इसकी रेंज जो होती है बहुत छोटी सी होती है. अगर आपको 3 डिजिट का 127 की रेंज में अगर कोई वैल्यू पुट करनी है कॉलम में तो आप टाइनी आईएनटी भी ले सकते हैं. और इसी तरह से स्मॉल आईएनटी भी होता है, स्मॉल आईएनटी की जो रेंज होती है वो टिनी आईएनटी से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है. तो प्लस 32,767 की रेंज में आप कोई वैल्यू, इस पर्टिकुलर रेंज तक की कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे स्मॉल आईएनटी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं जनरली इन दोनों डेटा टाइप्स को कभी यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं आईएनटी ही यूज करते हैं क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज जो है काफी ज्यादा होती है और हमें इसी रेंज के अंदर मैक्सिमम वर्क करना होता है. इस तरह से हमारा फ्लोट डेटा टाइप, देखिए अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप समझ आ गया ना कि इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं इंटीजर टाइप को यूज करते हैं, तो इसी तरह से फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोटिंग नंबर्स को यूज करते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप के थ्रू. और इसमें क्या है हम डेसिमल पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. ऐसे ही हमारा डबल डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप भी क्या है, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट कैन नॉट बी अनसाइंड एंड वी कैन डिफाइन द डिस्प्ले लेंथ एंड द नंबर डेसिमल. We can display length m. M को हम length को हम m से वैसे इसके syntax में m से define करते हैं और उसके decimal point को हम d से define करते हैं. Now this is not required and will default to 16 4 where 4 is the number of decimals. मतलब कि 16 हमारे क्या है इसमें 16 हमारे required जो numbers हैं वो होंगे और 4 हमारे decimal points होंगे. decimal के बाद decimal precision can go to 53 places. मतलब कि point के बाद आप 53 places तक के जो है इसमें क्या कर सकते हैं points के बाद digits add कर सकते हैं. ठीक है,
इसी तरह से आपका डेसिमल पॉइंट होता है, तो फ्लोट डबल डेसिमल तीनों ही हमारे क्या हैं, तीनों ही डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद देखते हैं डेट एंड टाइम, डेटा टाइप जो है, डेट और टाइम टाइप की वैल्यूज को अगर हमें होल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम टाइप का डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स हैं, लाइक डेट है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है, टाइम है। अगर हमें सिर्फ डेट की एंट्री करनी है और डेट की एंट्री हमारी इस फॉर्मेट में होती है YYMMDD, तो हमें क्या करना है, डेट डेटा टाइप लेना है। इससे अगर हमें टाइम की एंट्री करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, उसका फॉर्मेट ये रहेगा आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, इनको हम कॉलन से सेपरेट करेंगे और डेट को हम हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है ले सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई हमारा कॉलम ऐसा है जिसमें रिक्वायरमेंट है हमारी डेट और टाइम दोनों टाइप्स की, डेटा टाइप्स की, तो हम वहाँ क्या करते हैं, डेट और टाइम, ये जो डेट टाइम डेटा टाइप है ये स्पेसिफाई करते हैं। ऐसे ही है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, टाइम स्टैम्प बिटवीन मिडनाइट जनवरी दिस एंड समटाइम इन दिस, दिस लुक्स लाइक द प्रीवियस डेट टाइम फॉर्मेट। मतलब कि ये आपका क्या है, आपका एक तरह से इस फॉर्मेट में जो आपका अबव जो डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो डेट डेटा टाइप ही यूज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब हम किसी कॉलम को डेट टाइप प्रोवाइड करते हैं तो वहां हमें साइज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक बिल्ट इन साइज होता है, बिल्ट इन उसका फॉर्मेट होता है। इसी तरह से टाइम में भी इस डेटा टाइप के लिए, डेट एंड टाइम डेटा टाइप के लिए हमें कोई भी साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप, यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप है वो हमारा कैर और वैरकर ही होता है। फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब है, कैर डेटा टाइप मतलब कि फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब कि ये क्या है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, अगर आपने किसी कॉलम को मान लो 30 लेंथ ली है तो जो आप वैल्यू उसमें डाल रहे हो वो 30 कैरेक्टर से अगर लेस भी है तो अगेन उस पर्टिकुलर वैल्यू का साइज जो है कितना रहेगा, उसका साइज 30 ही रहेगा। और कैर टाइप और वैरकर टाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स तक का साइज, इस साइज तक की वैल्यू को आप किसी कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जो वैल्यू हो सकती है हमारे उस कॉलम की जिसको हमने कैर और वैरकर टाइप प्रोवाइड किया है वो 255 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपको नीचे गिवन है। आज का आपका वर्क रहेगा डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है और इसमें डेटा टाइप्स को, इनकी डेफिनेशंस को रीड करना है, इनकी जो मैक्सिमम रेंज वगैरह है इनको लर्न करना है और साथ में डिफरेंस आपको खुद रीड करना है ताकि आपको समझ आए। मैं थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दूंगी अभी। इसी तरह से वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ में क्या है, अगर आपने किसी कॉलम को 30 साइज प्रोवाइड किया कि 30 अल्फाबेट की इसमें वैल्यू आप डालेंगे, लेकिन अगर आप उससे कम साइज की वैल्यू डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने एक नेम की एंट्री की अमित, AMIT, फोर कैरेक्टर्स का ये नेम है, लेकिन यहाँ क्या होगा, वैरकर डेटा टाइप क्या करेगा, 4 कैरेक्टर्स का को कंज्यूम करेगा मेमोरी में और जो 26 स्पेसेस थे जो बच गए हैं 30 में, 26 स्पेसेस बच गए हैं उनको अपने आप ही रिमूव कर देगा। तो ये इस कॉलम की, इसके थ्रू जो कॉलम डिफाइन होता है उसकी लेंथ जो है वेरिएबल होती है। और कैर डेटा टाइप के थ्रू जब किसी कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं तो वो लेंथ हमारी फिक्स्ड रहती है। और इस तरह से ब्लॉब और टेक्स्ट डेटा टाइप है, ब्लॉग और टेक्स्ट डेटा टाइप की हमें कॉमनली जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी कब होती है, जब हमारे जो कंटेंट्स हैं कॉलम के वो बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए 65,535 कैरेक्टर्स तक की इसकी मैक्सिमम लेंथ है, तो जनरली हमें इन डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आप टेबल्स बनाएंगे वहां पे आपका आपको जो डेटा टाइप यूज होने वाला है वो कैर और वैरकर ही यूज होने वाला है, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप यूज नहीं होगा। आप फिर भी ब्लॉब और टेक्स्ट को रीड कीजिए, इसके थ्रू हम इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं और काफी लार्ज अमाउंट में टेक्स्ट एंट्री भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर है डिफरेंस, डिफरेंस देखिए डिफरेंस को हम कवर नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ कि फिक्स लेंथ का मतलब होता है कि अगर आप कॉलम की लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं तो वो कॉलम की लेंथ जो है उतनी ही रहती है, लेकिन वेरिएबल के लेंथ में क्या रहता है, वो कॉलम की लेंथ जो अकॉर्डिंग टू वैल्यू जो है मैनेज हो जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कवर होता है। ओके, बाय।